हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुज बंसल। वेलकम टू गढ़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। दोस्तों, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में हमारे प्रोनाउन के टाइप चल रहे हैं और उन टाइपों में आज हमारा जो टाइप होने वाला है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि अनिश्चित, यानी कि कंफर्म नहीं बताता है, निश्चित नहीं बताता है किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में। आइए, इसकी जो डेफिनेशन है वो है ए पर्सन दैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे Not in a definite way is called indefinite pronoun। अब यह क्या कहता है कि यह किसी पर्सन के बारे में बताता है और थिंग्स के बारे में, यानी कि किसी इंसान के बारे में या किसी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, और वह क्या नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। Not in a definite way वह क्या नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं बता पाता है हमें, इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इसे क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहता है, यानी कि निश्चित नहीं बताता हूं मैं किसी भी चीज के बारे में। वो कैसे, वो आपको अब बताता हूं। जो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो है हमारे ऑल। आपको साथ ही साथ हिंदी मीनिंग बताऊंगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। गॉट इट। पहला जो है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन वो है हमारा ऑल। ऑल मतलब होता है सभी। अब सभी मतलब आप पर्सनली किसी का नाम तो ले नहीं सकते हैं। अगर आप नाम लेते रहेंगे तो आप पूरे दिन भर आप नाम ही लेते रह जाओगे, ठीक है ना। इसीलिए छोटे छोटे वर्डों से हम सबको कवर करने के लिए हमें क्या बनाए दिए, हमारे पास क्या दिए हुए हैं, कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जिनसे हम सब लोगों को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब वो कोई पर्सन हो सकता है और या कोई थिंग्स हो सकती है। जैसे ऑल मतलब सभी, फ्यू मतलब थोड़ा सा, अदर्स अन्य, नो वन किसी को भी नहीं। आपने किसी को भी नहीं बुलाया अपने बर्थडे पार्टी में, भाई अपने पूरे फ्रेंड्स सर्कल में, ठीक, वहां पर आप नो वन का यूज कर सकते हैं। नोबडी कोई भी नहीं, वहां कोई भी नहीं रहता है तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, नोबडी का यूज करेंगे। एनीवन कोई भी, कोई भी हो, कोई भी चैप्टर हो, हम आसानी से पढ़ने वाले हैं, क्या यूज करेंगे हम, एनीवन, एनी कोई। अब कोई में से आप किसी को भी ले सकते हैं, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। एनीथिंग कुछ भी, मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्या मैं कुछ भी कर सकता हूं इंग्लिश सीखने के लिए, इसके लिए कुछ भी के लिए आप क्या यूज करेंगे, एनीथिंग का यूज करेंगे। ईच, अब ईच का आप यूज कैसे करेंगे, आपको प्रत्येक पेड़ों को पानी देना चाहिए, यू गिव द वाटर ईच ऑल ट्रीज। अब आ गया मैनी, मैनी मतलब होता है अनेक, अनेक यानी कि बहुत सारे। नन मतलब कोई भी नहीं है भाई वहां। अगला है सेवरल, सेवरल मतलब अनेक। मैनी और सेवरल दोनों की जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है, ठीक है। आप सेवरल का यूज भी कर सकते हैं और मैनी का यूज भी कर सकते हैं, यूज आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। अगला है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन वो है सम। सम मतलब है कुछ, कुछ कुछ है मेरे पास, कुछ ना कुछ तो है। जैसे आप सीआईडी देखते होंगे उसमें क्या कहता है, एसीपी प्रज्ञुमन कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वही वाला कुछ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वहां पर आप सम का यूज करने वाले हैं। Somebody, somebody मतलब कोई व्यक्ति। Everyone सब लोग मिलकर के क्या सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, तो वहां पर सब लोगों के लिए क्या यूज करेंगे आप, Everyone। अब लास्ट हमारा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो है बोथ। बोथ मतलब होता है दो, दो जहां पर भी आप दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए आपको बात करनी होगी तो आप इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, दोनों के लिए, वहां पर दोनों के लिए आप बोथ का यूज करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल है वो है हमारा सम हैव ज्वाइन द पार्टी। क्या, सम हैव ज्वाइन द पार्टी, यहां पर सम क्या है हमारा, सम हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल वेंट टू देहरादून, ऑल क्या है हमारे पास यहां पे, ऑल है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। समथिंग स्मेल्स रियली गुड इन किचन, तो यहां पर समथिंग क्या है हमारा, समथिंग भी हमारा यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल आर स्टूडेंट, ऑल हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नन ऑफ दीज, आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और वह ऑप्शन वाला होता है, वह फोर ऑप्शन वाला होता है, तो उसमें एक ऑप्शन क्या रहता है, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला एग्जाम्पल है फ्यू सेकेंड आफ्टर आई विल टॉक यू, तो यहां पर फ्यू क्या है, फ्यू हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दोस्तों, होपफुली आपको वीडियो समझ में आई हो और आप प्रैक्टिस करते रहें और
अगली वीडियो का इंतजार करते रहें। इसके लिए आप वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्रोनाउन की सीरीज में हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने प्रोनाउन के टाइप पढ़े, उसमें हमने सब्जेक्टिव केसेस पढ़े, ऑब्जेक्टिव केसेस पढ़े, आपके पजेसिव केसेस पढ़े, उसमें हमने एंड में हमारा जो टाइप बचा हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा प्रोनाउन की जो सीरीज थी वो आज खत्म हो चुकी है। इस वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।